तुझे ममता पिलाई तूने माँ मेरी माँ माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी डायरेक्टर स्निग्धा मुखर्जी, हम बच्चे जब भी बड़े हो जाते हैं अपने माँ बाप से सब कुछ ले लेते हैं, उनकी धन दौलत प्रॉपर्टी उनका खून चूस चूस के बच्चे लोग बड़े होते हैं और अपने माँ बाप को फिर वृद्धाश्रम में धकेल लेते हैं पुराने फर्नीचर पुराने कपड़े की तरह, और बूढ़े माँ बाप असहाय कुछ कर भी नहीं पाते। तभी स्टोरी का नाम है माँ के साथ कुछ पल। कुछ पल कब? नमस्कार। आजकल के दौर में सब कुछ बदल गया है, पहनना खाना पीना जीने का तरीका बात करने का तरीका। जो नहीं बदला है वह है हमारे माँ बाप का हमारे प्यार। ये ऐसा रिश्ता है जो किसी भी हालात को नहीं बदलता। हमारे मन में भले ही हमारे माँ बाप के लिए भावनाएं बदल जाए, लेकिन हमारे माँ बाप के मन में हमारे लिए भावनाएं कभी नहीं बदलती। इसलिए तो माँ बाप को भगवान कहा जाता है, गौर कहा जाता है, खुदा कहा जाता है। एक माँ नौ महीने अपने बच्चे को पोख निभाती है, उसे जन्म देती है, अपना दूध पिलाकर उसे नया जीवन दान देती है, जिंदगी भर अपने सुख की चिंता न कर रात रात भर जाकर भारत से ममता से उसे पालने की कोशिश करती है, बड़ा करने की कोशिश करती है, उसे खिलाती पिलाती है, पढ़ाती लिखाती है, उसे बड़ा करती है। और फिर बड़े होने के बाद क्या ये बच्चे अपने माँ बाप को वो प्यार वो इज्जत देते हैं जिसके वो हकदार हैं? क्या वो अपने माँ बाप के लिए वो सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं जो जिंदगी भर माँ बाप ने उनके लिए किए हैं? आइए देखते हैं आज की कहानी में माँ के साथ कुछ पल। ये कहानी एक माँ और उसकी बेटी की है, एक आम कहानी एक सच्ची कहानी। मैं हूं डॉक्टर देवाशीष राम, मैं भी इस कहानी में छोटा सा किरदार निभा रहा हूं तिवारी का। तो आइए हम सब देखते हैं माँ के साथ कुछ पल। नमस्कार। कीमती कपड़े मिलते हैं इसलिए, अरे अच्छी चीजें लेके जाओ, फिर तुम्हें तो महंगी मिलेंगी ना। और वैसे भी मुझे छोटी मोटी दुकान से शॉपिंग करना अच्छा नहीं। शॉपिंग करो बड़ी दुकान से, बड़े मॉल से करो, चीजें हो तो अच्छी हो वरना लोगी मत। जिंदगी में चीजें और कपड़े, इनके अलावा भी कुछ लोग और कुछ रिश्ते होते हैं जिनके प्यार और जज्बात को हम पैसों से नहीं खरीद सकते। क्या
मालूम तुम्हें क्यों पता? क्या मालूम क्या बात? अच्छा तुम्हें पता है इस दुकान का एड्रेस मैंने कितनी मुश्किलों से निकाला, तब जाके मुझे ये दुकान मिली। एक बार तो अच्छी है दुकान में, इस दुकान में ना मेरे बच्चे के दुर्गा पूजा की सारी शॉपिंग हुई। हेलो सुरक्षा, क्या आवाज कट रही है? नेटवर्क जा रहा है शायद। हेलो हेलो परमेश्वर, अरे मैं कसम को फोन कर लाइन कर रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ नेटवर्क कट रहा है शायद इधर। अरे फोन बहुत हुआ लेकिन अभी देर ना मिला मुझे इसको लेकर, समझे तू? सोचा था एक दिन अपने पति के साथ रिलैक्स करूंगी, उसका भी फुर्सत नहीं देती बुढ़िया, जब देखो अपने मैनेजर से आपको फोन करवाती रहती है। सोचा था आश्रम में भेजने के बाद थोड़ा चैन का सांस लूंगी, पर कहां। क्या बोल रही हो तुम, मुझे मेरा फोन दो, अरे कुछ काम होगा उनको, वो बोल रहे थे कुछ अर्जेंट काम है करके, मुझे बात करनी थी उनके साथ। प्लीज कोई अर्जेंट अर्जेंट काम नहीं, समझे इसे बहाने हैं तुमसे बात करने। अरे नहीं तो दुर्गा पूजा आ रही है, कुछ चाहिए होगा, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। अरे मेरी माँ वो मुझसे मांगेगी और किससे मांगेगी वो, और मैं तो हूँ नहीं मामा उनके पास, सबसे फोन पे तो बात कर सकता हूँ मैं, मुझे फोन दे दो, प्लीज फोन दो। और प्लीज कोई अजब का चिपकी, समझे ये सब बहाना है उस बुढ़िया का सिर्फ तुमसे बात करने के लिए। कुछ नहीं तो इतनी की साड़ी चाहिए, मैं पहले से बता रही हूँ उनको कोई इतनी की साड़ी नहीं दे पाऊंगी, बोल देना उनको वैसे ही बहुत खर्चे हैं। और मुझे एक कांचीवरम साड़ी चाहिए, मैं कब से तुमसे मांग रही हूँ, पिछले साल भी मांगू तुमने नहीं दिलाया, अब तुम दिला देना इस साल मुझे। क्या क्या बोल रही हो तुम, तुम्हें समझ में आ तुम क्या बोल रही हो? अरे मेरी माँ ने मुझसे नहीं बात करी तो किससे बात करेगी वो, मैं तो हूं नहीं मांग रहा उनके पास, कम से कम फोन पर तो बात कर सकता हूँ उनसे मैं, मुझे मेरी माँ से बात करने नहीं दिया। और तुम अब तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, मैंने सब देखा तुम्हारी मार बोल होकर कैसे तुमसे सारी चीजें निकलवा दी, एक नंबर की ना नैगिंग क्वीन। मेरी मां नैगिंग क्वीन, कुछ तो शर्म करो, बात कर रही हो तुम बाप, मैंने आज तक तुम्हारे मां का नाम कुछ गलत कहा है? ओ प्लीज मेरी मां को बीच में मत लो, ठीक है? उन्हें अच्छे से आता है कि अपने जमाई को इज्जत कितना देना है, बराबर जानती है। तुम्हारी भी तरह नहीं कि हर समय अपनी माँ का ही गुणगान करता रहता है, बस मेरी माँ को ये हो गया, मेरी माँ को वो हो गया, और तुम्हारी माँ आती थी मेरे पास, मेरे बेटे के ये कर दे, मेरे बेटे के वो कर दे, बह के उनकी नौकर लगी हूँ इस घर में। अरे इतना ही प्यार था अपने बेटे से तो क्यों करी शादी, अपनी गोद में बिठा के रख लेती। कितनी गंदी सोच तुम्हारी, क्या क्या बके जा रही हो, कुछ तो सोचो क्या बोल रहे हो तुम, शर्म तो बहुत हो रहा। बेचारी मेरी माँ हर चीज चुपचाप सहती है, कोई और मौत है तो पता चलता कि वैसी सास कैसे होती है, पर मेरी माँ सब चुपचाप सहती है। क्या कर रही हो, मैंने तुम्हारी माँ को टॉर्चर, और तुम्हारी माँ मासूम है, हाँ तुम्हें तो अपने आंचल में बिठा कर रखना चाहती थी, और मुझे मुझ पर वो हुक्म जताना चाहती थी, हाँ चिढ़ती थी मुझसे, खुद तो विधवा थी ना, मेरे पति का प्यार मुझ पर देखकर ना सुख जलन होती थी बहुत बुरी तरह से। कुछ भी बाकी जाए अब कब मेरे घर में परेशान किया, तो हर बात में तुम्हारा हेल्प करना चाहती थी, क्या हेल्प करना भी बुला है? ओ हेल्प, वो हेल्प नहीं की, सब लोग था समझ, मेरी माँ ने मुझे सब अच्छे से समझा लिया। इसी डॉक्टर से माँ को बचाने के लिए मैंने माँ को वृद्धाश्रम भेजा था, कम से कम वहां जाकर तुमने परेशान न कर सकते। एक बात सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे ईश्वर पर नाचने वाला हूँ तो ये कभी नहीं हो सकता। अच्छा वो तो देखा ही जाएगा तुम्हें कब कितना दूर से लेना है और कैसे संभालना है मुझे अच्छे से, और ज्यादा मुंह बोला ना तो पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करूंगी तुम्हारी, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहे हो तुम, समझे? अगर तुम पुलिस स्टेशन जाकर तुम झूठी कंप्लेन करोगी मेरी तो मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। क्यों क्या हुआ, अरे ये पसीना क्यों आ रहा तुमको, गला क्यों सूख रहा है तुम्हारा, अरे अरे चेहरे का गम कैसे उड़ गया तुम्हारा, चेहरे का तो रंग ही उड़ गया है, डरने की कोई बात नहीं, बस ऐसी मेरी बातें मानते हो। और देखो आज मैंने शॉपिंग
करनी थी, इतना अच्छा मूड रहेगा, प्लीज उसे स्पॉइल मत करो। अभिषेक, अरे मैसेज बहुत अर्जेंट है। अरे अभिषेक, आपके माँ अब मेरे हैं। बहुत कोशिश करा अंतिम बचाने की, लेकिन डॉक्टर ने अपने लेवल पे बहुत कोशिश किया। सॉरी कर दूँ सर, आज ही से मेरे सीधे कार्डियक अरेस्ट हो गया था। क्या बोलूँ मैं, तुम बहुत बेगन आंटी इस बार दुर्गा पूजा देख नहीं पाए। इसके बाद मैंने बहुत चूजर किया, क्या छोड़ होगा, बहुत लेट हो चुके हैं, आप जल्दी से आ जाइए। मैं आता हूँ, आप इंतजार करो, क्या करूँगा दुर्गा पूजा से पहले।
अरे अभी कार लेकर जाओगे तो रात का खाना क्या अपनी माँ की गोद पे बैठकर खाओगे? हाँ पहले साड़ी देके आओ फिर जाना। छोटे बच्चे जो है बूढ़े सब दिया सब ठीक ठाक सब डॉक्टर टाइम लगा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा खुश रहो और मुझे भी खुश रखो। अपना ये जो घर है हमारा आंगन छोटे छोटे बच्चों के कार्य से गुजरा चाहिए। ये अपने नंबर एक बात कहूँ, आपकी बहू पढ़ी लिखी है, सुंदर है, बहुत अच्छी है, मगर एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, कहूँ, लड़की सुंदर होना, पढ़ी लिखी होना अच्छी बात है, लेकिन अभी देखना है उसका मन कितना सुंदर है। एक बात कह रहा हूँ, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसके साथ जिंदगी में आपको चलना है, आपको रहना है, उसका स्वभाव और करेक्टर सुंदर होना बहुत जरूरी है। शादी करके बहुत घर अरे भगवान करे आपकी बहू वैसे ही हो जैसा आप चाहती हो, जैसा आप सपना देखती हो, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, आपको पार्वती आंटी के बारे में मालूम है ना? अरे हाँ वही वाला आंटी, आपसे मिला था मैंने। बुरा हाल है आंटी, आपको मालूम है उनका साथ क्या हुआ? उनका बेटा शादी किया ना, तो शादी के बाद क्या हुआ, उनका बहू उनका बारे में दिन रात चुगली करते करते, यानी उनके बेटे के कानों पे चुगली करते करते, अरे सुनिए तो सही, पहले अलग करने के लिए कोशिश किया, उसके बाद क्या हुआ मालूम है, उनके सारे प्रॉपर्टी सिग्नेचर जारी करके सब हड़प लिया और लेके मेरा वृद्धाश्रम में फेंक दिया। पहले तो थोड़ा बहुत खर्चा देते थे, आजकल तो खर्चा ही नहीं उठा रहे वो लोग, उनका सारे खर्चा मैं अपने वृद्धाश्रम से उठाता हूँ। बेचारी आंटी रात दिन रोती रहती है आंटी, और अपने बेटे पोती पोती को याद करते रहते हैं। अरे आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, शादी के बाद तो नया घर,
मतलब बेटे और बहू अलग घर में रहने लगते हैं और माँ बाप कुछ इधर फेंक देते हैं ते रस्ते में या तो वृद्धाश्रम में, बुरा मत मानिए। अरे मैंने ऐसे कब कहा आंटी, इतना सालों से आपको बचाता हूँ कि आपके जैसा सास मिलना कोई भी बहू के लिए आशीर्वाद है, मालूम है। लेकिन आंटी कुछ लोग रहेंगे तो आपका बहू का कान भरेंगे और आपके घर में जाहिर सी बात है मतलब आग लगाने के लिए कोशिश करेंगे। और ऐसे केसेस में, ज्यादा से केसेस में क्या होता है मालूम है, लड़की वाले के माँ बाप ही ये सब चीज करते हैं। अरे कुछ नहीं, दामाद को अपने काबू में रखने के लिए कोशिश करते हैं बस। मतलब आपकी बहू आपसे डरने लगेगी, वो खुद का मतलब खतरा महसूस करेगी आपसे, जाहिर सी बात है आपको वृद्धाश्रम में भेज देगी। ये सब चल रहा है आंटी, आप बुरा मत मानिए। लेकिन आपसे आपके साथ ऐसा ना हो, भगवान से ही चाहता हूं। बाहर के दुश्मन से तो आप लड़ सकते हैं, घर के दुश्मन से नागिन को पहचान नहीं पाए। मुझे अपने आप पे घिन आती है, मुझे बीवी का गुलाम बनकर बैठा अपने विचार अपने फैसले कुछ लड़ाए मेरा। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता ना आजकल के बच्चे अपनी बीवी के कहने पर अपने माँ बाप के साथ ऐसे बकवास कैसे करते हैं। ये बीवी तो गुलाम बन के डर डर के जिंदगी निभाते हैं। सच कहें तो ये अपने सास ससुर के सामने अपना वजूद बेच देते हैं और अपने बूढ़े माँ बाप को भूल कर सास ससुर का गुलाम बन जाते हैं। अब किसी ने वृद्धाश्रम में ऐसी भयानक कहानियां आपको सुनने मिलेगी जहां बच्चों ने अपने माँ बाप को रास्ते पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। जी हाँ, कुछ बच्चे तो अपने माँ बाप को भीख कटोरा लेकर रास्ते पर छोड़ देते हैं भीख मांगने के लिए, दर दर की ठोकर खाने के लिए, मरने के लिए। जवानी काम करते करते अपने बच्चों को बड़ा करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अच्छी परवरिश देने की कोशिश करते हैं और फिर यही बच्चे बड़े होने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी अपना नाम लिखा के उन्हें रास्ते पर छोड़ देते हैं भी मांगने के लिए। न्यूक्लियर फैमिली अभी फैशन हो चुकी है लेकिन इसमें इन बुजुर्गों की कोई जगह नहीं है, ये सिर्फ यंग जनरेशन की है। इसलिए तो इतने वृद्धाश्रम खुल गए। वृद्धाश्रम एक ऐसा घर जहां ये असहाय बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों के घर से निकाले जाने के बाद, उनकी जिंदगी से निकाले जाने के बाद दो वक्त की रोटी, एक छत और कपड़ों की तलाश में यहाँ पर आश्रय लेते हैं। हर सास पूरी नहीं होती, हर बहू भी पूरी नहीं। कुछ माँ बाप तो ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के साथ बड़े हंसी खुशी से दोस्त बनकर उनके साथ जिंदगी निभाते हैं। अंबिका देवी भी अच्छी सास थी, उन्होंने अपनी बेटी के लिए मनपसंद बहू भी लाई। लेकिन उन्हें क्या मालूम था यही बहू एक दिन उन्हें अपने ही घर से बाहर निकाल देगी। अंबिका देवी अपने बेटे से मिलने के लिए जिंदगी भर तरसती रही। वो बेटे से मिलने के लिए बार बार गुहार लगाती रही लेकिन उनके बहू ने आखिरी सांस तक उनसे मिलने दी। अंबिका देवी अपने बेटे से मिलने के लिए रोती रही, तड़पती रही, आखिरकार चल बसी। देखिए मां के मरने के बाद बेटा उससे मिलने आया है। अरे परमेश्वर आप आ गए, आपके लिए ही हम लोग इंतजार कर रहे थे, आप बहुत लेट हो गए। दास संस्कार तो कल सुबह होंगे क्योंकि अभी तक बहुत लेट हो चुकी है। आपके
जो भी आपको लगे आपके इस मन का कौन है गुरु मैं आपको आपके माँ के कमरे में ले जाता हूँ और आप चाहे तो आज की रात वही बिता सकते हैं, दिल खोलकर अपनी माँ के साथ वक्त बिता सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि अगर आप थोड़े पहले आए होते ना तो कम से कम वो आपकी बात सुन सकती, वो भी अपनी बात मन खोलकर आपसे कह सकती। लेकिन अब तो देर हो चुकी है, तुम्हारी कोई भी बात सुन नहीं सकी। लेकिन फिर भी आप अपने दिल की तसल्ली कर लीजिए। हम बच्चे पे ही पे गलतियां कर बैठते हैं, हमेशा अपने माँ बाप से कुछ ना कुछ पाने की उम्मीद करते रहते हैं और वो हमें सब कुछ देते देते खाली हाथ हो जाते हैं और हम वो जब बूढ़े हो जाते हैं उन्हें वृद्धाश्रम या तो रास्ते में कचरे की तरह फेंक देते हैं। अब रोने से क्या फायदा, आपके आंसू पोंछने के लिए देखने के लिए आपको मम्मी वापस नहीं आएंगे। अरे मैं जानता हूं आपकी बीवी के बारे में, ममिता जी के बारे में, लेकिन आप तो उनके बेटे हो ना, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिनके वजह से आपका एग्जिस्टेंस है। आप वो बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, पूछने भूल गए। दिस इज वेरी सैड। देखो बेटा, अपनी बीवी से प्यार करना चाहे, उसकी इज्जत करना चाहे, लेकिन उसका गुलाम बन के उसके कहने पर अपने मां बाप को घर से बाहर निकाल देना, ये तो सही नहीं है ना। बीवी अच्छी ना होना तो जिंदगी चल नहीं सकती। मेरी जिंदगी तो वैसे ही खत्म हो जाए, रोज जरा जरा कर तुम मरा पाऊंगी। ओके 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 ओके, हैव पेशेंस बच्चू, इनका दर्द मैं समझता हूँ। इनके अपने मम्मी के कमरे में लेके जाइए, जाइए आखिरी बार बात कर लीजिए। बहुत तकलीफ सहा है उन्होंने, लेकिन आप देखो कितनी शांति से सो रही है। अब कोई भी तकलीफ उन्हें छू नहीं सकती। बहुत अच्छी औरत थी तुम्हारी मां, मुझसे कितनी बातें करती थी, मुझे अपने भाई मानती थी वो। परमेश्वर बेटा एक बात कहो, मैं बहुत गरीब इंसान हूं, लेकिन अपनी मां को कभी ऐसे ऐसे रास्ते पर नहीं छोड़ता। अपनी इसी छोटी सी कुटिया में उसे रख लेता, लेकिन ताकि उसे कभी कोई तकलीफ ना हो। बेटा कोई भी मां अपनी इच्छा से अपनी बेटी को छोड़कर आश्रम में नहीं आती, उसे मजबूर किया जाता है या उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा बेटा मैं अब चलता हूं, कल सुबह तुम्हारी मां की अंत्येष्टि है ना, लोगों का इंतजाम, चिता लकड़ी सब तैयारी करनी है। तुम बैठकर अपनी मां से बात करो, उनकी आत्मा अभी भी इस कमरे में है। पिंडदान के पहले मुक्ति नहीं मिलती ना, तो बात करो। Thank you.
बार बार किस्मत को दोष मत दो, दोष किस्मत का नहीं है। कितने खुश थे हम सारे। ये देखो तुम कितनी खूबसूरत दिखती थी बचपन। मैं पूरा दिन दौड़ता था, आंखें तुम्हारी गोद में छुप जाती थी। सारे दिन कहां चले गए? सब बातें याद है। तुम कितने मस्ती करते थे, कितने गुस्सा करते थे, और फिर मैं तुम्हें भूल भी लेके अपनी घर के नाम की बात करना करती थी। तुम्हारे छोड़ दे माँ, हमेशा के लिए जिंदा नहीं। एक ना एक तो मुझे जाना है। हर किसी को एक ना एक दुनिया छोड़ के जाना है। मगर Thank you.
जिंदगी भर अपने खिलाने के लिए सोच रहा तुम्हारी माँ को मरने की बात है ना, ये मां खत्म नहीं हुई, मरने की बात
पार्टी इतना खर्चा लगा के जा रहे इतना दबा दिया इतना करो पर तुम मेरी माँ के बारे में अपनी सास के बारे में बात कर तुम चिल्लाओ मत समझे अबे तुम से डरने वाला नहीं हो रोकी तुम्हें कंप्लेन करनी है पुलिस में जाकर पुलिस को मैं खुद पूछूंगा तुमने पूछेगा मेरे बाप से कितना टॉर्चर किया कितना सहा है मेरी बात भाई तुम्हारी पता इसी में जो कहता वो चुपचाप सुनो और चल के देख लो वहां से पैसे निकल अपनी माँ के पास जाके फिर से शेयर बोले बुला रही मुझसे आओ तो तुम घर क्या वाके जा रही हो तुम प्रातः हूँ संभाल के बात करो अच्छा तुम अब मुझ पर मुंह चलाओ मैं तुम्हारी गुलाम नहीं याद रखना तुम अपने लिमिट्स में रहो मैं तुम्हारा पति हूँ और पति के सामने किस तरह बात करो तुम शायद पता नहीं तुम्हारी पता इसी में जो कहता वो चुपचाप सुनो और चल के देख लो वहां से पैसे अपनी माँ के पास जाके फिर से शेयर बोले बुला रही मुझसे आओ तो तुम घर क्या बाकी जा रही हो प्रातः हूँ संभाल के बात करो अच्छा तुम अब मुझ पर मुंह चलाओ मैं तुम्हारी गुलाम नहीं याद रखना तुम अपने लिमिट्स में रहो मैं तुम्हारा पति हूँ और पति के सामने किस तरह बात करो तुम शायद पता है नहीं तो लिमिट क्रॉस करके मुझसे बुला को तुम्हारी पता इसी में जो कहता वो चुपचाप सुनो और चल के देख लो वहां से पैसे अपनी माँ के पास जाके फिर से शेयर बोले बुला रही मुझसे आओ तो तुम घर क्या बाकी जा रही हो प्रातः हूँ संभाल के बात करो अच्छा तुम मुझ पर मुंह चलाओ मैं तुम्हारी गुलाम नहीं याद रखना तुम अपने लिमिट्स में रहो मैं तुम्हारा पति हूँ और पति के सामने किस तरह बात करो तुम शायद पता है नहीं तो लिमिट क्रॉस करके मुझसे बुला को दिमाग खराब हो जाए थैंक यू वेरी मच मैम 20,000 लाए इसमें से माँ का दाह संस्कार बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा आगे जो बन पाता है मेरी तरफ से मैं जरूर करूंगा अब चिंता मत कीजिए मेरी मान सम्मान की रक्षा कीजिए थोड़ा सा मैं भी एक्टिंग कर हाँ आपके साथ जाते जाते यही कहा कि वो अपने मर्जी से यहाँ पे आई है आपके बेटे उनके पोते से बहुत ज्यादा प्यार करती थी लेकिन तुमने तो कहा था कि मम्मी दादी मत देखते मैंने दादी को देखा उनसे बात भी की क्या बात कर रहे हो दादी माँ तुमसे मिलने आई थी अरे अच्छा है शायद बेटा तुम्हारा दादी माँ तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है इसलिए शायद तुम आ गए मिलने तुमसे है क्या नहीं मैंने दादी माँ को बहुत मिस किया मुझे दादी माँ के पास जाना है प्लीज मम्मी मुझे दादी माँ के पास ले चलो मुझे उन्हें देखना है
अच्छा मैम, आप लोग जाइए, आपके सांस से मिल लीजिए और ये बच्चे को भी साथ पे लेके जाइए। जाओ बेटा। चुपचाप लेटी क्यों है? वो हमसे बात क्यों नहीं कर रही है? उठ के मुझको प्यार क्यों नहीं कर रही है? बोलो ना मम्मा। दादी माँ उठ क्यों नहीं रही है? मुझे दादी माँ के पास बैठना है। कितने दिन हो गए दादी माँ की गोद में बैठा नहीं। दादी माँ को बोलो ना मुझसे बात करने के लिए पापा। तुम्हारी दादी अब तुमसे कभी बात नहीं कर पाएंगी, कभी नहीं मिल पाएंगी तुम्हें। दादी माँ का प्यार मिलेगा, दादी माँ से मिलेंगे, खूब खेलेंगे, इसलिए भाग भाग के जल्दी जल्दी आया। मगर दादी माँ तो हमसे बात ही नहीं कर रही है। क्यों पापा? क्यों पापा बताओ ना, हमारी दादी माँ सो क्यों रही है? अंकित बार बार एक बात तुम्हारा बंद करो, तुम्हें दिख नहीं रहा है तुम्हारी दादी माँ मर गए? अब वो तुमसे नहीं बात करेंगे, नहीं बोलेंगे। मर गए कैसे मम्मा? नहीं हम झूठ बोल रहे, हमारी दादी माँ जिंदा है। मुझको पता है दादी माँ यहाँ आना नहीं चाहते थे, इसलिए इतना रो रहे थे। हमारी दादी माँ रोते रोते मर गए। मुझे सब याद है मम्मा, तुम पापा के साथ कितना झगड़ा कर रहे थे। दादी माँ मुझको छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने जबरदस्ती यहाँ भेज दिया और हमारी दादी माँ मर गए। तुम बहुत बुरी हो मम्मा, तुम्हारी वजह से हमारी दादी माँ मर गए। तुम बहुत बुरी हो, गंदी हो, तुम्हारी वजह से हमारी दादी माँ मर गए, मुझको छोड़ के चली गई, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। मैं बहुत बुरी हूँ, गंदी हूँ, तुम्हें पता है तुम्हारी दादी माँ के कितने खर्चे थे यहाँ पर? हाँ, इस संसार में कितनी कितने काम है, कितनी अशांति है, कितना झंझट है। उन सबसे बचकर तुम्हारी दादी माँ आराम से रहती थी और हमें कोई काम ही नहीं करना पड़ता था। वो बहुत अच्छे से रहती थी, बहुत आराम से रहती थी, देखते रहे तुम सब कितने ऐशो आराम से रहती, प्यार से रहती। देखो कितने खुश थे दादी माँ यहाँ पर। दादी माँ यहाँ अच्छे थे मम्मा, क्या तुम सही कर रहे हो मम्मा? दादी माँ यहाँ खुश थे। और नहीं तो क्या पापा? दादी माँ यहाँ खुश थे, बोलो ना। इसका जवाब तुम्हारी माँ अच्छे से दे पाएगी। ठीक है फिर, जब मामा की उम्र आ जाएगी और मैं बड़ा आ जाऊंगा तब मैं भी मेरी मामा को इसी आशा में रख दूंगा। फिर तुम यहाँ आराम से रहना, तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। सही कहा बेटा, सही कहा, सही कहा, सही कहा। अपने घरों का हाल सुनकर इसी उम्र में यही मनोकामना पड़ता है। ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझे कैसा बीज बोई, मेरे मम्मी ही कल मेरे पीछे आए, क्या हो गया ये मेरे आपको, कैसा बीज बो दिया मैंने अपने कर्मों का, मेरी ही कर्म मेरे पीछे करेंगे, मैंने क्या कर दिया। शायद तुम्हारे आंसू से तुम्हारे कुछ पाप समझे तो पापा को कभी तुम्हें शादी से रहने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए आपकी इच्छा में पूरी करके ही रहूंगा। शायद से मेरी माँ की आत्मा को शांति नहीं है। ये जिंदगी कर्म का आईना है, जो कर्म तुम कर
उनकी पूरी घर घूम कर तुम्हारे सामने आने खड़े हो। स्निग्धा मुखर्जी, आज ये कहानी में हमने देखा माँ के साथ कुछ पल में कि अंबिका देवी को उनकी अंतिम यात्रा में जैसे चाहिए था पोते पोतियों के साथ, उनके बहू के साथ, बेटे के साथ, वो सब उनको मिल गया। लेकिन बाकी जो वृद्धाश्रम के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको क्या इतना इज्जत, इतना सम्मान अंतिम यात्रा के वक्त मिल पाता है? नहीं, क्योंकि हम बच्चे जब भी बड़े हो जाते हैं अपने माँ बाप से सब कुछ ले लेते हैं, उनकी धन दौलत प्रॉपर्टी, उनका खून चूस चूस के बच्चे लोग बड़े होते हैं और अपने माँ बाप को फिर वृद्धाश्रम में धकेल देते हैं, पुराने फर्नीचर, पुराने कपड़े की तरह, और बूढ़े माँ बाप असहाय कुछ कर भी नहीं पाते। मेरी ये कहानी का एक ही मकसद है,
के समाज में मैं ये दिखाऊं कि हर माँ बाप को वो प्यार मिले, वो इज्जत मिले। आइए एक नई समाज की योजना करें जहाँ पे हर माँ बाप को इज्जत और प्यार मिलेगा। हम कभी पूछते हैं अपने माँ बाप को कि उन्हें क्या चाहिए, जैसे कि अंबिका देवी रोते रोते इस दुनिया से चली गई, अपने बेटे को देख भी नहीं सकी। मरने के बाद बेटा आके दो पल की बात करता है, तभी स्टोरी का नाम है माँ के साथ कुछ पल। कुछ पल कब? माँ मर जाती है तब? ऐसा हमारे साथ कभी ना हो। हमारे घर में जो अनमोल खजाना है हमारे माँ और पापा, आइए उन्हें ढेर सारा प्यार दे और उनकी इज्जत करे। नमस्कार। ईश्वर को मैंने देखा।